क्या हालचाल है गाइस, आज हम बात करेंगे निकी मिनाज के बारे में, जो क्वीन ऑफ हिप हॉप कहा जाता है जिन्हें आजकल। और हमारा चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है गाइस, तो आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए, अपने को 1000 सब्सक्राइबर कैसे भी करके करना है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े, बहुत सारे भाई लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं, हम बात करते हैं हिप हॉप के बारे में। अगर वो रैप लिखते हो, अगर आप रैप लिखते हो तो मुझसे जुड़ो, मतलब अपन बात करते, यूनिटी लेके चलते हैं साथ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए जुड़ो इंस्टाग्राम पे और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। I like to be a nurse when I grow up so I can help people less fortunate than I am. निकी मिनाज, जिनका असली नाम है ओनिका तानिया मराज, उनका जन्म हुआ था December 8, 1982 में, और उनका जन्म ट्रिनिडाड करके एक जगह में हुआ था। निकी मिनाज के पेरेंट्स मिक्स डिसेंट के थे और इनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी, और ये लोग स्पेन में रहते थे और इनके माँ बाप US चले गए थे जॉब के लिए। निकी उस टाइम अपने भाई बहन के साथ अपने ग्रैंडमा के साथ रहती थी, और उसके बाद जब वो 5 साल की हुई तब वो US आ गए अपने माँ बाप के साथ। निकी मिनाज के डैड एक ड्रग एडिक्ट थे और वो अपने घर के फर्नीचर वगैरह बेच के भी नशे करते थे, और वो बहुत नशे के बहुत ज्यादा आदी थे और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी थे। और निकी मिनाज ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा है कि उनके डैड इतने ज्यादा एडिक्ट थे, इतने ज्यादा नशा करते थे कि उन्होंने अपना घर ही जला दिया था। They came and said your house is burning down. I just remember running, racing down, and I remember when I got here, I just saw a big commotion, and I was so scared, I didn't know what happened, but everybody was running over here, and I just looked, my house was gone. इन्हीं सब कारणों की वजह से निकी मिनाज और उनकी मॉम बहुत ज़्यादा डर में रहती थी, और वो अपने आप को एक रूम में बंद करके रैप्स लिखा करती थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रैप लिखा था। निकी मिनाज मोनिका नाम के एक सिंगर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और जो भी टैलेंट शो होता था उनमें मोनिका के गाने गाती थी वो। और जब निकी मिनाज 15 साल की थी तब उनके साथ रेप हुआ था और आगे चल के उन्हें अबॉर्शन करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना अपने जीवन में। इसके बाद उन्होंने अपने आप को हाई स्कूल में एनरोल करा, जहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पढ़ के पास आउट हो चुके उनके हाई स्कूल, वहाँ पे वो पढ़ती थी। उस स्कूल में सबको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेना पड़ता था, और निकी मिनाज सिंगिंग ऑडिशन के लिए गई थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई थी वहाँ पे। लेकिन उनको एक ड्रामा में रोल मिल गया और वो एक्टिंग को ज़्यादा सीरियस लेने लग गई थी उस टाइम पे, और चीज़ें धीरे धीरे सही होने लगी निकी मिनाज के जीवन में। उनके पिता का जो एडिक्शन था, जो नशे की आदत थी, वो धीरे धीरे छूट गई थी, वो बराबर चर्च वगैरह जाने लग गए थे और वो अच्छी तरह एक अच्छा आदमी बन गए थे। और इसी के साथ साथ निकी मिनाज बहुत सारे एक्टिंग के ऑडिशंस वगैरह देती थी और उन्हें एक रोल मिल गया था आखिर में। स्कूल के खत्म हो जाने के बाद उन्होंने 13 डिफरेंट जॉब्स करे थे, मतलब कुल मिला के बहुत सारे जॉब, जो बोले तो मतलब एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और अगले दिन वो टेलीमार्केटर बनके लोगों को फोन करती थी। 13 जॉब करने के बावजूद भी निकी मिनाज कभी पीछे नहीं हटी, उन्होंने अपने पैशन को जिंदा रखा और वो एक चांस का वेट कर रही थी कि एक चांस मिले और मैं उस एक चांस में ब्लू अप हो जाऊं बस। और फाइनली उनके संघर्ष के बाद उन्हें एक चांस मिला, जो कि न्यूयॉर्क के कुछ रैपर्स थे, उनका नाम था फुल फोर्स, और उन्होंने निकी को ऐसे बैकअप सिंगर अपने बैंड में शामिल कर लिया और वो लोग काफी ज्यादा शोज वगैरह करते थे। निकी didn't have no money. निकी was struggling. निकी is a queen's girl. इस बैंड में जुड़ने के बाद निकी ने अपना मन बना लिया था कि अब तो मैं रैपर बन के ही रहूंगी, और उन्होंने काफी ज्यादा टाइम लिखने में लगाया और अपना गाना रिकॉर्ड करके वो माई स्पेस में डालती थी। और इसी दौरान निकी एक बंदे से मिली थी जिसका नाम था सफारी सैमुएल्स, वो भी एक रैपर थे और इनका रिलेशन काफी अच्छा चला था। ये बंदा केवल एक बॉयफ्रेंड नहीं था उस टाइम पे, निकी मिनाज का मैनेजर समझ लो उस टाइम पे, और निकी मिनाज को काफी ज्यादा मोटिवेट करता था कि हमें कुछ करना है। और निकी मिनाज इसी दौरान अपने जो गाने के लिंक्स वगैरह थे वो बड़े बड़े लोगों को बेचती थी, और इसी तरह उन्हें एक डील मिल गया था, और ये डील उन्हें दिया गया था डर्टी मनी एंटरटेनमेंट की तरफ से, जो उनके सीईओ थे फेंडी, उन्होंने निकी को एक डील ऑफर करा था। उस दौरान निकी मिनाज का नाम निकी मिनाज नहीं निकी मिराज था, और फेंडी ने ही कहा था उन्हें कि चेंज करके निकी मिनाज रखो। और डर्टी मनी लेबल के अंडर में उन्होंने अपना पहला मिक्सटेप 2007 में निकाला था, जिसका नाम था प्ले टाइम इज ओवर। और इसी मिक्सटेप के साथ में निकी मिनाज की किस्मत पलट गई, क्योंकि ये DVD पहुंच गई थी लिल वेन के हाथ में। हम सबको पता है लिल वेन कितना बड़ा लेजेंड है हिप हॉप में। लिल वेन ने तुरंत ही निकी मिनाज को कॉन्टेक्ट किया और उन्हें न्योता दिया अपने यंग मनी ग्रुप में शामिल होने को। और इसके बाद निकी मिनाज का 2 और मिक्सटेप आए थे, एक था सकफ्री और एक था बीट मी अप स्कॉटी, जो कि लिल वेन के साथ में इनका कोलैबोरेशन था।
और अगस्त 2009 में लिल वेन के यंग मनी एंटरटेनमेंट के अंडर में निकी मिनाज साइन हो गई थी। लिल वेन जो बंदा है काफी तगड़ा बंदा है, अपन उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बंदा एक लेजेंड है और निकी मिनाज, ड्रेक, टाइगर जैसे लोगों को वो मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं। उसके बाद निकी मिनाज ने अपने काफी ज्यादा सिंगल्स निकाले थे, जो था मैसिव अटैक एक सिंगल था और यूर लव जो काफी ज्यादा हिट हुआ था उस टाइम पे। उसी साल निकी मिनाज को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट फीमेल का अवार्ड मिला था BET के द्वारा और उन्होंने ये अवार्ड डेडिकेट किया था लिल वेन को। When I say I can't believe I won, I mean that I can't believe for the first time I get to share a moment like this with the person who saw me rapping on a staircase. और 2011 में Forbes magazine के द्वारा कैश किंग में निकी मिनाज का नाम आया था और उन्होंने उस साल 6.5 मिलियन की अर्निंग करी थी। उसके बाद निकी मिनाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज की तारीख में निकी मिनाज का नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर्स है। और इसके बाद निकी मिनाज ने बहुत ज्यादा अवार्ड्स वगैरह जीते और उनके बहुत सारे सुपर हिट गाने आ चुके हैं और उन्होंने मीक मिल को भी डेट करा था और उसके बाद जाके उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी कर ली थी और उनका अभी एक अच्छा मैरिज लाइफ चल रहा है और इसी तरह निकी धूम मचा रही इंडस्ट्री में। और निकी मिनाज का सबसे लेटेस्ट सॉन्ग आया है ट्रोल्स जो है 6ix9ine के साथ और काफी अच्छा गाना है। 6ix9ine के बारे में भी अपन ने बायोग्राफी बनाई है, आप चैनल पर जाओ देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका। और भी सारे आर्टिस्ट को कवर कर रहे हैं अपन ने, जैसे कि XXXTentacion हो गया, पोस्ट मेलोन हो गया, उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूले, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको लग रहा हो कुछ कमी घटी देखे तो बिल्कुल कमेंट करें। और आपको जो आर्टिस्ट चाहिए, जिस आर्टिस्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, उस आर्टिस्ट के बारे में कमेंट करो, हम बिल्कुल उस आर्टिस्ट पे भी वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा लेट हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। और भी जो आर्टिस्ट हमने कवर करे उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और मैं हम इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये वीडियो जो है हम बना रहे, मतलब अपन लोग बना रहे भाई, मेरा भाई, मतलब मैं भले ही बनाता हूं लेकिन उसको आगे आप लोग ले जाते हो, तो इसलिए ये अपना चैनल है। कभी मैं सोचना कि अगर कुछ कमेंट करो तो मतलब कोई ऐसा इशू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लगता है कमेंट करो बिल्कुल। आपको जो आर्टिस्ट लगता है कि हाँ इस आर्टिस्ट के बारे में मुझे जानना है तो वो कमेंट करो, उस आर्टिस्ट के बारे में हम वीडियो कवर करेंगे। और इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना, मेरे जो इंस्टाग्राम पर जो आईडी है, यूजर नेम है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना, बात करना, XXX एंटरटेनमेंट और अखिल द अखिल है मेरा यूजर नेम। और अपन बहुत जल्द मिलेंगे मेरा भाई अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना है बाहर मत जाना मेरे भाई, स्टे होम स्टे सेफ, लॉन्ग लिव हिप हॉप। Overall, you would have to put Nicki above Kim because you make the list today. Yeah. We would make that list today. So today, Nicki is a little bit more influential than Lil' Kim. So you would have to put Nicki above. So I don't see anything.